जी तो गाइस मैं आज मौजूद हूँ बहुत ही मशहूर शहर सिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज मैनचेस्टर में। आज आपको मैं मैनचेस्टर की पूरी सैर कराऊंगा। सो इस यहाँ के बहुत अच्छे अच्छे फैक्ट्स हैं, यहाँ की क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे वो आपको दिखाऊंगा लाइव। सो लेट्स स्टार्ट वीडियो। मैं अभी स्टेशन पे उतरा था मैनचेस्टर विक्टोरिया पे, उसके बाद ये चेक करें यार आस पास बिल्डिंग के नज़ारे, खूबसूरत माहौल और ये बसेस, क्या बात है यार। यार मैनचेस्टर में ना बिल्कुल ना बिल्डिंग से बिल्डिंग है और यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज आपको हर किस्म की मिल जाएंगी। आपको पाकिस्तानी एशियन हर किस्म की कम्युनिटी मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे जो अकोमोडेशन है वो भी लंदन के हिसाब से बेहतर होती है, रेट वगैरह से कम होते हैं और यहाँ पे आप डिलीवरी वगैरह भी कर सकते हैं, जॉब भी फाइंड कर सकते हैं, सब कुछ मतलब यहाँ पे इजिली हो सकता है। तो बहुत अच्छी ये सिटी है। तो जिस सिटी में मैं भी रहता हूँ तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी है यार ये सिटी। ये चेक करें यार ये बस स्टैंडिंग वगैरह होती है इस तरह की, हर किस्म की यहाँ पे यार यूके में सहूलतें हैं। मौसम में काफ़ी ठंडा हो रहा है, सर्दी लग रही है मुझे, तो बारिश का मौसम बना हुआ है मगर बारिश नहीं है भाई। और ये चेक करें गाइस, अभी आपको दिखाता हूँ भाई कराची जैसा माहौल। जैसे कराची में हम जाते थे ना तो हर तरफ बिल्डिंग ही बिल्डिंग, तो यहाँ के भी यही हाल है। चेक करें यार हर तरफ बिल्डिंग ही बिल्डिंग। ये चेक करें भाई ये क्या बना हुआ है, ये तो गांधी जी लग रहे हैं मुझे, गांधी जी इंडिया के। गाइस एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, ठीक है। अगर आपने बाइक कोई चीज़ खरीदनी है, ठीक है, बाइक या रेंट पर लेनी है तो इस तरह के स्टैंड्स बने होते हैं, ठीक है। यहाँ पे साइकिलें तो अभी भी नहीं खड़ी मगर साइकिल वगैरह यहाँ पे खड़ी होती हैं। आप यहाँ पे कॉइन डाल के आप रेंट पे ले सकते हैं कोई भी साइकिल, इलेक्ट्रिक वाली साइकिल, ठीक है। और तो किसी भी सिटी में कहीं भी इस तरह की स्टॉप होते हैं तो वहाँ पर आप वापस पे बैक करके अपनी साइकिल को मतलब कि जो रेंट होता है वो ख़त्म करके साइकिल वापस डाल। चेक करें यार क्या व्यू है, कसम मुझे जो है ना लंदन के मुकाबले मैनचेस्टर ज़्यादा अच्छा लगा। लंदन में गया नहीं है मगर जो लोगों से सुना है किसी भी और स्टॉप जाके ना रेंट अपना ख़त्म करके ना मतलब पैसे पे करके साइकिल रख देगा। ये चेक करें ये स्टर्लिंग बैंक, ये इस तरह की साइकिलें होती हैं, ठीक है। तो यार ये मैंने कभी यूज़ नहीं की मगर वैसे मैंने सुना है कि ऐसा ही होता है। तो यहाँ पर आप मतलब कॉइन वगैरह डाल के ना ये चेक करें, ये उनका कॉइन सिस्टम होता है पे करके तो आप लोग ये साइकिल रेंट पर ले सकते हैं। यार मैनचेस्टर के बारे में ये भी बहुत मशहूर है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ कोई ना कोई बिल्डिंग नई बनती रहती है। हाउ आर यू? फाइन। दिस इज माय फ्रेंड। Hi man, how are you? I'm fine. What's your name? My name is Owolabi. Owolabi? Yeah. Where from? I'm from Nigeria. Nigeria, a very beautiful country. Yeah, yeah, it's a very nice country. When you come in UK? Yeah, I come in UK January this year. This year? Yeah. Oh, you are student or not? I'm not a student. Okay, dependent. Yeah. Okay. Nice to meet you. Yeah, nice to meet you too. गाइस अभी मैं जा रहा हूँ मैनचेस्टर विक्टोरिया में। सो अभी ट्रेन पकड़ के जाना है मैंने बाहर।
तो देखते हैं, आपको दिखाते हैं हमें मैनचेस्टर विक्टोरिया। और ये भाई दोस्त मिल गए हैं मुझे, तो ये भी साथ साथ ही है, हमारी जर्नी इकट्ठी है। यू ऑल्सो गो नहीं विजिट ओके ओके हाँ जी। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। दिया मैनचेस्टर में भाई हर बंदा पाकिस्तानी यहाँ पे तकरीबन ऑलमोस्ट, ठीक है, कुछ लोग होंगे एशियन होंगे, गोरे होंगे, मगर मैं तो भाई यहाँ पे गोरों को ढूंढ रहा था, गोरे नहीं थे मिल रहे। पीछे देखिए यार, ब्यूटीफुल एक गार्डन टाइप बना हुआ है, उस पर बैठा हूँ और वीडियो गेम एंड कर रहा हूँ।